हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किसी भी वीडियो को साफ कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई वीडियो आपका ब्लर हो गया है या तो कोई वीडियो अंधेरा में शूट हुआ है जिसके वजह से उसका क्वालिटी बिल्कुल ख़राब आ रहा है, आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी सोशल मीडिया पर आप जब भी अच्छा वीडियो शेयर कीजिएगा तभी आपको लाइक और शेयर मिलेंगे, नहीं तो आप धुंधला सा वीडियो अपलोड कीजिएगा तो उसको कोई देखेगा नहीं, जिसके कारण आपका नहीं तो वीडियो वायरल होगा नहीं तो आपका फैन फॉलोअर बढ़ेगा। तो गाइस, इसी का सलूशन हम लेकर आ गए हैं कि आपके पास कितना भी धुंधला वीडियो है यानी कि अंधेरा में आप शूट किए हैं, उस वीडियो को आप लाइट देकर एक दमदार सा बेजोड़ वीडियो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए गाइस, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले समय समय से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी लोग आपको बताए हैं कि वीडियो कैसे साफ करें, लेकिन उसमें आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता दिए हैं जिनसे कि नहीं तो आपको उस एप्लीकेशन को यूज करना आता है और न ही वो एप्लीकेशन ठीक से वर्क करती है। लेकिन मैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और उससे आपको हम साफ करके फ्रेश दमदार सा वीडियो बना कर दिखाऊँगा जिसको आप हमेशा यूज करते होंगे या तो आप कभी ना कभी यूज किए होंगे, नहीं किए होंगे फिर भी पहली बार आप यूज करेंगे फिर भी आप एक सेकेंड में आप उसको यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, उस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस एप्लीकेशन को हम ओपन किए और देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो रही है और होने के बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद आपका वीडियो किस साइज में है। तो मेरा वीडियो है मोबाइल का फ्रेम का यानी कि बीच वाला साइज में 9.16 का, तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद हमारे सामने ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया और आपको आप अपने प्रोफाइल से जाके जिस भी वीडियो को आप साफ करना चाहते हैं उस वीडियो को ले लीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने ये वीडियो है जो कि बहुत ही धुंधला सा वीडियो है, इसको मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, हम इस वीडियो को ले लेता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देते हैं और फिर इसमें आ जाते हैं। तो चलिए गाइस, हम आते हैं इसमें और आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो का हम वॉल्यूम कम कर लेंगे ताकि ये कॉपीराइट सॉन्ग है, तो हम यहाँ से पेंसिल ओपन करेंगे और यहाँ से इसका वॉल्यूम जीरो कर लेंगे और जीरो करने के बाद हम दूसरा इसमें सॉन्ग ऐड कर लेंगे ताकि उसमें हमें कॉपीराइट ना मिले। तो चलिए, हम यहाँ से सॉन्ग ऐड कर लेते हैं और ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं हमने इस वीडियो को ले लिए हैं और यहाँ पर सॉन्ग भी इसमें ऐड कर लिए हैं और इसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं इसका क्वालिटी कितना बेकार है, कितना ख़राब है। चलिए, हम आपको प्ले करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसमें बहुत ही एक धुंधला सा लग रहा है यानी कि साफ वीडियो नहीं है, तो अभी इसे हम साफ करके आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने चल रही है वीडियो, तो यहाँ से इसको हम स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद इस वीडियो पर टेप करना होगा आपको और टेप करने के बाद यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे आना होगा, फिल्टर वाले ऑप्शन पे आपको प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट करना होगा यानी कि जिस आपको कलर में लेना है उस कलर पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए, मैं इस कलर में देखता हूँ कौन सा कलर में मुझे ये अच्छा वीडियो बनेगा। तो चलिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस, हमने इस कलर को सिलेक्ट कर लिए हैं, इसमें से कोई भी आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा यानी कि जिस भी कलर में आपको रखना है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आपको टेप कर देना होगा। यहाँ देख सकते हैं एक आइकन है, इस पर आपको टेप करना होगा और बैक आ जाना और इसके ठीक फिल्टर के बगल में ही ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको कलर वगैरह कम या बेस करना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ब्राइटनेस पर मैं टेप करूँगा और यहाँ से ब्राइटनेस को ओपन कर लूँगा और यहाँ से जीरो है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। चलिए, हम इसको जीरो है तो इसको हम 10 पॉइंट पर रखते हैं और चलिए मैं 18 पे रख लिया और रखने के बाद इतना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा कम कर ले रहे हैं। ठीक है, 5 पे हमने रख लिया और यहाँ पे हम कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे हम प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको भी थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। तो चलिए, हम इसे बढ़ा लेते हैं और हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, हमने इसको इतना पे रखे, इस पर भी हम प्रेस करेंगे, जितना भी इसमें आइकन है सभी पे प्रेस करके आपको घटा बढ़ा लेना है। देखिए, मैं इसको भी थोड़ा लाइट वगैरह दे देता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से भी आ जाता हूँ और इसमें भी थोड़ा देखता हूँ कैसा। इसमें आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं।
तो चलिए मैं अभी कलर फिलहाल नहीं चेंज करूँगा और इसको हम 100 पे ही रहने देते हैं। तो चलिए हम 100 पे हो गया और यहाँ से टेम्प वाले ऑप्शन पे हम प्रेस करेंगे और इसको भी थोड़ा घटा बढ़ा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर लिए और यहाँ पे इस पर भी हम प्रेस करेंगे और इसमें भी कलर आपको जिस टाइप का कलर आपको लगाना है उस टाइप का कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए और यहाँ पे इसके बगल में भी एक ऑप्शन है, इस पर भी हम प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको भी हमें जितना करना होगा उतना कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा जीरो कर लेते हैं, जीरो पे ही सही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और देख सकते हैं हो गया है। और आपको हम प्ले करके अब दिखाता हूँ कितना अच्छा हमारा वीडियो है और फ्रेश देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी वीडियो को साफ कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल बेकार वीडियो है, अंधेरा सा वीडियो में छाया हुआ है, धुंधला सा वीडियो है, उसको भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप साफ करके आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है पावर डायरेक्टर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर बिना लोगो का चाहिए तो उस पर भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाया था लेकिन यूट्यूब से डिलीट करके हटा दिए ताकि उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलने के चांसेस रहती है। तो उस पर हम एक वीडियो बना के आपको इंस्टाग्राम पे नहीं तो फेसबुक पेज पे अपलोड करके आप सबको दे देंगे ताकि आप वहाँ से उस वीडियो को देख कर बिना लोगो वाला पावर डायरेक्टर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अभी तक इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं MP लाल मिलूंगा आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।